शाहरुख खान के दुबई से मुंबई लौटने पर ऐसा हुआ जो पहले नहीं होता था। जो शाहरुख अपनी फिल्म के रिलीज पर आते ही मीडिया के सामने बाहें फैलाए नजर आते थे, अब वही एसआरके मीडिया को करते नजर आ रहे हैं अवॉइड। लेकिन क्यों? वेल, यही है वो बड़ा सवाल जो पठान की रिलीज से पहले एसआरके के फैंस ही नहीं खुद इंडियन मीडिया के सामने खड़ा हो गया है। और हमारी ये स्टोरी देखने के बाद आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि आखिर मीडिया को क्यों अवॉइड कर रहे हैं किंग खान। शाहरुख खान जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए, पपराजी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखी, लेकिन एसआरके शटर बक्स को पोज किए बिना अपनी कार के अंदर चले गए। इंडियन मीडिया से शाहरुख खान की ये बेरुखी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, वो ये कि क्या इंडियन मीडिया से नाराज है किंग खान। वेल, ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि उनकी फिल्म की रिलीज को सिर्फ चंद दिन बचे हैं। लगभग एक वीक के बाद एसआरके और दीपिका पादुकोण स्टारर पठान बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है, और शाहरुख इंडियन मीडिया को छोड़ बाकी सब जगह पठान का धमाकेदार प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। रिसेंटली शाहरुख जब एक T20 लीग की ओपनिंग सेरेमनी के लिए दुबई पहुंचे, तब भी उन्होंने पठान को जमकर प्रमोट किया। इस दौरान शाहरुख खान बुर्ज खलीफा पर किए गए पठान के ट्रेलर लॉन्च के विटनेस भी बने, झूमे जो पठान के हुक स्टेप दिखाकर डांस भी किया, और फैंस के सामने उन्होंने अपना सिग्नेचर पोज भी दिया। पर जब आई इंडियन मीडिया के सामने पोज करने की, तो शाहरुख खान मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया को अवॉइड करते दिखे। मीडिया से बात करना तो दूर, उन्होंने शटर बक्स को भी पोज नहीं किया। ऐसे में ये सवाल तो बनता है ना कि क्या शाहरुख खान किसी बात पर इंडियन मीडिया से नाराज है। वेल, अगर ऐसा है तो एसआरके की नाराजगी का पता लगाकर हम वो रीजन भी आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। एक मिनट, रुक जा। Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.